आई एम दर्द कुमार शर्मा, आई एम स्टार्टिंग चैप्टर टू फॉर सेवंथ क्लास साइंस. द नेम ऑफ चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. न्यूट्रिशन इन एनिमल्स टॉपिक इज डाइजेस्टिंग इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, अर्थात घास खाने वाले जंतुओं में पाचन. अभी तक हमने ह्यूमंस बीइंग में पाचन को समझा था, और आज जो हमारा टॉपिक है वो ह्यूमन के अलावा अन्य जीवों में डाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है इसको समझेंगे. तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स में हमें कैसे मतलब एक डाइजेशन होता है ये समझना है. डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, अर्थात घास खाने वाले जंतु कैसे पाचन करते हैं. तो ये एनिमल्स कौन कौन से हैं बच्चों? काउ हो गया, बफेलो हो गया, गोट हो गया, डियर हो गया, एक्सेट्रा. तो बच्चों इसमें हम जो लेंगे काउ, बफेलो और गोट एक्सेट्रा. तो सबसे पहले हम देखते हैं काउ का डायग्राम देखेंगे. काउ में डाइजेशन सिस्टम होता है बच्चों, काउ में भी पाचन सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है. और ऐसे जंतुओं को रूमिनेंट्स कहा जाता है. ऐसे जंतुओं को रूमिनेंट कहा जाता है जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं. दिस इज द माउथ पार्ट ऑफ द काउ एंड दिस इज द फूड पाइप नोन एज द ओएसोफेगस. ये हमारे अंदर भी था, ह्यूमन बॉडी में भी था ये. और ये जो पार्ट्स है ये रूमन है, ये वाला जो भाग है ये रूमन. ये वाला भाग स्मॉल इंस्टेंटाइन, ये लार्ज इंस्टेंटाइन. स्मॉल इंस्टेंटाइन और लार्ज इंस्टेंटाइन के बीच में एक संरचना होती है जिसको कैकम्स कहते हैं, CAECUM कैकम्स. अच्छा, अब ये वाला जो पार्ट है पूरा ये स्टमक कहलाएगा बच्चों. तो ये रहा एक गाय का एक डाइजेस्टिव सिस्टम, काउ का डाइजेस्टिव सिस्टम. अब क्या है ये करते क्या जी? आपने देखा होगा काउ ले लीजिए, गोट ले लीजिए, बफेलो ले लीजिए, ये जब भी अपना चूइंग करते रहते हैं जब ये खाते नहीं है. दे चू व्हेन दे डू नॉट ईट, बैठे बैठे मुंह चलाते रहेंगे. तो ऐसे एनिमल्स को ही रूमिनेंट एनिमल कहते हैं. तो क्या होता है, दे क्विकली स्वालोड द ग्रास एंड स्टोर इट इन द पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड रूमन. अर्थात वो जो घास खाते हैं या भूसा खाते हैं, ग्रास घास या और कोई ऐसा ही जिसमें सेलुलोज हो, तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो ग्रास वगैरह जल्दी जल्दी इन्होंने घास खाई और कहां कलेक्ट कर ली, रूमन. क्या लिखा हुआ यहां पे, रूमन में कलेक्ट कर लिया है जी. तो इसको रूमन कहते हैं. हियर द फूड गेट पार्टली डाइजेस्टेड. अब ये भोजन पूरी तरह से नहीं पचा, फूड पाइप से इसमें ओएसोफेगस के थ्रू रूमन में चला गया, यहां पार्टली डाइजेस्टेड फूड हो गया, आधा पचा हुआ भोजन हो गया. आधा पचा हुआ भोजन हो गया जिसको क्या कहा जाता है, कड. ये कड दोबारा यहां से फूड पाइप से होता हुआ उस उपर से फिर यहां जाता है, और ये जो है लंप कहते हैं इसको, और फिर ये इसको धीरे 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 चबाती है, और फिर ये दोबारा ओएसोफेगस से होता हुआ स्मॉल इंस्टेंटाइन, लार्ज इंस्टाइन, गैस्कम, इनमें पास होता हुआ डाइजेस्ट हो जाता है. अब क्या है बच्चों कि बट द कड लेटर रिटर्न टू द माउथ. ये कड जो है यानी कि सेमी डाइजेस्टेड, पार्टियली डाइजेस्ट जिसको कड कहा गया, उसको दोबारा चबाया गया, और ये कड लेटर रिटर्न टू माउथ है इन द स्मॉल लम्प्स एंड एनिमल चू इट्स अगेन, दोबारा इसको चबाते हैं. द प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन. और इस प्रोसेस का क्या नाम है, रूमिनेशन. यानी कि भोजन इन्होंने जल्दी स्वॉलो आउट किया और यहां चला गया, यहां से फिर
एक तरह से लंप के रूप में यहां आया, इन्होंने च्यूइंग किया और इस प्रकार के एनिमल्स क्या कहलाते हैं, रूमिनेंट एनिमल। और इस प्रोसेस का क्या नाम है, रूमिनेशन। तो बच्चों होता क्या है कि ये आपने देखा हो कि जो काव है, बफेलो है, ये ऐसे एनिमल्स हैं जो सेल्यूलोज को भी पचा लेते हैं, भूसा यानी लकड़ी वाले पार्ट जिनमें सेल्यूलोज होता है, जो एक कार्बोहाइड्रेट का रूप होता है, एनर्जी देता है इन्हें, उसको भी डाइजेस्ट कर जाते हैं जी, और डाइजेस्ट करके इनको एनर्जी मिलती है। अब ये डाइजेशन होता क्यों है, ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन क्यों नहीं होता और काव ऐसी चीजों को डाइजेस्ट क्यों कर पाती है? इसका कारण है कि ये यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में एक स्ट्रक्चर है जिसको कैप्सिकम कहा गया। इसके अंदर बैक्टीरिया होता है जो इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर जाता है, पाचन कर लेता है इसका सेल्यूलोज का, और एक तरह से इस तरह से ये एक तरह से इस भोजन का उपयोग अपने बॉडी के मेंटेनेंस में कर लेते हैं, ग्रोथ में कर लेते हैं, है एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं एक्सेट्रा। तो ये रहा, नेक्स्ट टॉपिक है फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। ये बच्चों आप देखते हैं कि ये एक यूनिशेलर ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोपिक यूनिशेलर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द पॉन्ड्स और तालाबों में पाया जाता है। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो रेगुलर नहीं है, अर्थात नियमित आकृति नहीं होती है इसकी, ये कभी किसी आकृति में कभी किसी आकृति में पाया जाता है, और इट फीड ऑन द माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स बिकॉज ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज वी कैन नॉट सी इट विद द नेकेड आई, वी हेल्प टू सी देम माइक्रोस्कोप, अर्थात सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इन्हें देखा जा सकता है। तो जब भी इसे देखिए, इसमें ये उभार जैसी संरचनाएं आपको दिखाई दे रहे हैं, ये स्यूडोपोडिया है, अर्थात इनको फाल्स फीट भी कहा जाता है। क्या होता है फाल्स फीट में स्यूडोपोडिया में, कि जब ये सेंसेशन ऑफ फूड करते हैं, दे एंगुल द फूड पार्टिकल्स। देखिए इन्होंने इस फूड पार्टिकल को घेर लिया, ये फूड पार्टिकल्स है, और इसने स्यूडोपोडिया ने इसको एंगुल कर लिया, टेप कर लिया, और बाद में ये फूड कहां चला जाता है, फूड वैक्यूल्स में। कहां चला गया, फूड वैक्यूल्स में। फूड वैक्यूल्स में डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं बच्चों, जो इस फूड को डाइजेस्ट कर लेते हैं, है? और ये ऐसे ग्रोथ में काम आता है फूड, इनको बॉडी मेंटेनेंस में काम आता है, और जो है मल्टीप्लीकेशन में काम आता है। तो इस तरह से डाइजेशन किया, सारी एक्टिविटीज चाहे वो चलने की एक्टिविटीज है, तब भी ये स्यूडोपोडिया एक तरह से जिसको पदार्थ हिंदी में बोलते हैं, पदार्थ जिसको फाल्स फीट के नाम से जाना जाता है, उनके द्वारा ये चल भी लेता है। और एक से दो अमीबा भी एक तरह से इनकी बाइनरी फ्यूजन के द्वारा, बाद में पढ़ेंगे आप, उसके द्वारा इसका रिप्रोडक्शन भी हो जाता है। तो एक सेल ही इसके लिए पर्याप्त होती है, और एक ही सेल है ये। देखिए इस सेल का जो पूरी आवरण है, आउटर कवरिंग, ये सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। सेल वाल तो प्लांट्स में होती है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है। तो सेल मेम्ब्रेन चूंकि एनिमल जीव है, तो सेल मेम्ब्रेन इसके अंदर पाई जाती है। इसके अंदर ये जो व्हाइट व्हाइट पार्ट दिखा रहा है, ये साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य बोलते हैं बच्चों। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एक तरह से ये इनके द्वारा इजेक्ट भी किया जाता है, यानी कि इजेक्टेड वेस्ट है ये, अर्थात बाहर जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो इसने बाहर भी निकाल दिया इस रूप में, देख रहे हैं। ठीक है, ये वाला भाग न्यूक्लियस है जो इसके सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तो ये रहा अमीबा में फूड कैसे होता है बच्चों। This is the end of video or end of the chapter. Now I shall start the question answer next time. Thank you.